सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले, लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन भाई गुप्ता जो डॉप चैनल। चैनल चाहे वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि हमारा जो मेहनत का फल है एक लाइक है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि जो भी छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या वीडियो के जो चैनल होता है उसके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग आसानी से देख के आसानी से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने, अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आप सभी को पता चले आपका जो तैयारी हुआ कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न को हम देखते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहे और सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग देखते हैं यहाँ पे प्रथम प्रश्न है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है तो इस बार भी आ सकता है क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें एग्जाम में या आपको कहीं भी क्या करना है कि दो बार आपको प्रश्न पढ़ना है और दो बार आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही गलत का डिसीजन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन जैसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिया रहेगा। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है जो कि राखल दास बनर्जी। यानी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। एक का जो सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देखते दोनों प्रश्न की कलकत्ता में एशियाटिक की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कलकत्ता में एशियाटिक की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हम बात कर ले, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स। यानी सो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। दो का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते तीनों प्रश्न की मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हम बात के लिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर सिंधु नदी। तो दोस्तों आपको याद है कि मोहनजोदड़ो की जो होता है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो वह यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो तीन का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखती चारों प्रश्न की लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। दोस्तों यही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप ये चार ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से नीचे कमेंट करिए क्योंकि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ए, इसका राइट आंसर गुजरात। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो वह गुजरात में स्थित है। तो चार का जो सही आंसर ऑप्शन है ए, इसका राइट आंसर है। So, दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके, अभी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है, उसमें क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले बता दे किसी ने कमाल की बात कही कि कुछ बातों का भूल जाना ही भविष्य के लिए बेहतर होता है। दोस्तों काफी अच्छी लाइन है कि कुछ बातों का भूल जाना ही भविष्य के लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों काफी अच्छी लाइन है जो कि कुछ कुछ ऐसा बात होता है जो कि भूल जाना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते पांचवें प्रश्न की भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर
कन्निघम को कहा जाता है, यानी इसको कराए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कन्निघम को कहा जाता है, घम यानी कि कन्निघम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता यानी कि फादर किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर जो कि कन्निघम को कहा जाता है। पांच का जो सेंस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित छीन प्रश्न कराए कि कनिक्स का राजरोहण कब हुआ था। दोस्तों यही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कनिक्स का राजरोहण कब हुआ था। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो कि 78 ईस्वी में, यानी दोस्तों 6 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप सभी प्रश्न को याद कर लिए तो आपको एग्जाम में काफी अच्छे अंक आ सकते हैं। और बहुत सारे छात्र नीचे कॉमेंट करते थे कि सर हम जो भी प्रश्न याद करते हैं 2 से 3 दिन याद रहता है उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसका फाइनली कारण यह है कि आप लोग इसे दोबारा नहीं देखते, रिविजन नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप दोबारा रिविजन कीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा, तो आपको ये जो प्रश्न है आपको आसानी से याद रहेगा। तो फाइनली आपको बता दें, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, 2 से 3 दिन के बाद इसे रिविजन करते रहे ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो सके। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 7वां प्रश्न की अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह चाणक्य है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में चाणक्य नहीं दिया, चाणक्य का और भी नाम है जो कि यहाँ पे दिया है। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करें। इसका राइट आंसर हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है कौटिल्य, यानी तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, यानी कि चाणक्य ने लिखा था। तो 7 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 8वां प्रश्न की गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फाययान, यानी दोस्तों गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो वह था यहाँ पे फाययान। तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 9वां प्रश्न की महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप सब जल्दी से नीचे कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, क्योंकि आप लोग बच्चे से पढ़ते आ चुके हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, यानी कि किस लैंग्वेज में हुई है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 9 सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर संस्कृत, यानी तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत में हुई है। 9 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे धम्म की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अशोक। तो दोस्तों आपको याद कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो अशोक ने की थी। 10 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते 11वां प्रश्न की महावीर का बचपन का नाम क्या था, महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर जो कि सिद्धार्थ, यानी तो महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे ताकि आप ही की तरह और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको और वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर अच्छी तरह से तैयारी कर ले ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग चुटकियों में दे सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाओ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रही सबसे पहले। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कहे कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगा जितनी दूरी तय करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यानी तो काफी अच्छी लाइन है कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगा जितनी दूरी तय करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे काफी अच्छी लाइन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोई भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें तो सफलता मतलब कि जल्दी नहीं मिलता है, किसी किसी में सफलता देर से मिलता है, तो वह व्यक्ति सोचता है कि हम यहाँ यहीं पे छोड़ देते हैं।
देते हैं। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा एक और दिन दो दिन और भी मेहनत करके देखिए, हो सकता है आपको आज नई सफलता मिला तो हो सकता है कल आपको मिल सकता है। तो यहीं पे ही काफी अच्छी लाइन है कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगा जितनी दूरी तय करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 12वें प्रश्न की प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करें। इसका राइट आंसर हम बात कर ली थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है राजगीर। यानी दोस्तों प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी तो वह राजगीर में हुई थी। 12 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 13वें प्रश्न की श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, यानी कि हम बात करें इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यही सब प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, क्योंकि यह सब है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। 13 का जो ऑप्शन डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 14वें प्रश्न की स्तूप किस धर्म से संबंधित है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन जो कि सी इसका राइट आंसर है बुद्ध धर्म से। यानी स्तूप किस धर्म से संबंधित है तो वह यहाँ पे जो कि बुद्ध धर्म से, सॉरी यहाँ पे बुद्ध धर्म ने बल्कि यहाँ पे बौद्ध धर्म होगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग करने में हो सकता है गलती होगा, ठीक है। तो 14 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 15वें प्रश्न की सुत पीठक किस धर्म से संबंधित है, सुत पीठक किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे चार धर्म का नाम दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी नीचे कमेंट करें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का राइट आंसर जो कि बौद्ध धर्म, यानी सुत पीठक किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते 16वें प्रश्न की बाबरनामा क्या है, यानी सो बाबरनामा क्या है। दोस्तों काफी इजी इसका आंसर भी आप सभी को पता होना चाहिए कि बाबरनामा क्या है, जल्दी से नीचे कमेंट करें कि बाबरनामा क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आत्मकथा, यानी दोस्तों बाबरनामा क्या है तो आत्मकथा है। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 17वें प्रश्न की कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने जो कि आरंभ किया था तो वह किया था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो 17 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही है कि दुनिया के डर से अपने फैसले बदलने वाले अक्सर नाकाम लोग होते हैं, यानी सो कह रहा है कि दुनिया के डर से अपने फैसले बदलने वाले अक्सर नाकाम लोग होते हैं, यानी कि जो कि बेकार लोग होते हैं, जो कि दूसरे के बात सुन के अपना फैसला ही बदल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे से आप राय लीजिए, यानी कि सब कुछ आप सुन सकते हैं, यानी कि इस कान से सुनिए और इस कान से निकालिए, जो आपका मन करता है वही कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 18वें प्रश्न की जिजिया किससे लिया जाता है, तो जिजिया किससे लिया जाता है, यहाँ की बल्कि यहाँ पे जिजिया किससे लिया जाता है, जिजिया किससे लिया जाता है, ठीक है, यही प्रश्न है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि व्यापारियों से, यानी सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है व्यापारियों से लिया जाता है। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा इस प्रश्न में कन्फ्यूज, आप लोग का क्या राय है नीचे कमेंट करें, क्योंकि इस प्रश्न में हम डाउट है हम देखेंगे बुक में, उसके बाद आपको हम अगले वीडियो में सॉल्व करके यहाँ पे बता दें, ठीक है। इस प्रश्न में डाउट है, आप सभी का क्या राय है नीचे कमेंट करें, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 19वें प्रश्न की अंतिम मुगल सम्राट कौन था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो कि बहादुर शाह, यानी तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो बहादुर शाह था। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 20वें प्रश्न की दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी है जो कि अकबर, यानी तो दीन ए इलाही संबंधित है तो अकबर से, अकबर ने ही लागू किया था, ठीक है, यानी कि एक जाति ही बनाया था। तो 20 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, किसने प्रश्न की अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, यानी तो कह रहा है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, यानी कि किसके कंट्रोल में थी। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन डी, इसका राइट आंसर टोड मल के कंट्रोल में थी, यानी कि नियंत्रण में थी। तो 21 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही कि उन लोगों की उम्मीद को टूटने न दे जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप है, यानी सो कि उन लोगों की उम्मीद को टूटने न दे जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप है। जैसे मैं आप सभी को पता हो जाए होगा कि आपके जो माता पिता, आपकी जो फैमिली है जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई उम्मीद से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो बेटा है कुछ कर सके, कुछ बन सके, मेरा नाम ऊंचा कर सके। तो ऐसा आप लोग कभी नहीं कीजिएगा जो कि आपकी जो माता पिता का आपके ऊपर उम्मीद है वह टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही अच्छी लाइन कहे कि उन लोगों के उम्मीदों को टूटने न दे जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 22वें प्रश्न की पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यानी तो पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी का राइट आंसर 1556। तो दोस्तों आपको यहाँ पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। 22 का जो सही आंसर ऑप्शन बी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 23वें प्रश्न की कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, यानी सो कह रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। जिसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर है तुलुब वंश, यानी सो कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, तो तुलुब वंश का राजा था। तो 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 24वें प्रश्न की निकोलो कुंटी किस सामक, यानी यहाँ पे सामक दिया है बल्कि यहाँ पे शासक के कार्य काल में आया था, यानी तो यहाँ पे जो निकोलो कुंटी किस शासक के काल में आया था। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था। जो 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाए, ठीक है, बल्कि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे बी, तो यह सब टाइपिंग में गलती हो जाता है, लेकिन आपको हम यहाँ पे सोल्यूशन करके बता ही दिए कि इसका जो सही आंसर है यानी कि करेक्ट आंसर है वह यहाँ पे कृष्णदेव राय। तो 24 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में इतिहास के कुल यहाँ पे 24 प्रश्न थे, तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही सही नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे जाके कमेंट करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर किसी और वीडियो के साथ, जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।